गाइस, आज मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे मैं आने से हमेशा डरती हूँ, बट आप लोगों के लिए आई हूँ। हेलो जी, किदा जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, की हाल चाल थोड़ा सारे दा? मैं बिल्कुल वधिया। सो आज दा वीडियो दा चैनल क्या बोल रही हूँ मैं, सो आज दा तुसी वीडियो दा टाइटल जो है वो ऑलरेडी देख लिया होना। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेंट पीटर्सबर्ग की जो है सबसे अनसेफ जगह के बारे में। सो वहीं पर हूँ मैं इस वक्त। यहाँ आने के लिए मैं हमेशा डरती हूँ। सो मेरे को पता है मैं यहाँ कैसे खड़ी हूँ और कैसे वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने कम लोग घूम रहे हैं, वरना जो मार्केट्स होती हैं सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रोज के ऊपर, वहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाया है कितनी रौनक होती है। और आज सैटरडे है, सैटरडे होने के बावजूद इतनी भीड़ है बस। सो उसका रीज़न ये है गाइस कि ये सबसे लास्ट मेट्रो स्टेशन है, मतलब लास्ट और भी बहुत सारे मेट्रो स्टेशन हैं, लेकिन ये वाला जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है ना, इसको माना जाता है कि थोड़ा सा अनसेफ है। तो पहले ना मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा इर्द गिर्द दिखाती हूँ कैसा एरिया है। सो उसके बाद मैं बात करती हूँ कि हमारे साथ यहाँ पे हुआ क्या था, इस वजह से मैं यहाँ पे आने से डरती हूँ। सो कुछ हुआ था हमारे साथ यहाँ पे, मैं थी, मेरे फ्रेंड्स थे साथ में, तो उसके बाद से तो मैं उस इंसिडेंट्स के बाद से मैं आज आई हूँ यहाँ पे। तो कुछ ख़तरनाक ही हुआ होगा, इसीलिए उसके टाइम के बाद आज आई हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आसपास का एरिया और फिर बात करती हूँ। दिस इज़ द मार्केट बेसिकली। मैं यहाँ पर आई हूँ ना, हम लोग जब यहाँ पे पहले आए थे तो मेरी सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। पहले मुझे पता नहीं चल रहा था कि किधर को जाना है, लेकिन अब मुझे रास्ता देख के ना सब समझ में लग गया है और सब कुछ याद भी आ गया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है आप लोगों को डराना, बस सिर्फ इस वीडियो के थ्रू मैं अलर्ट करना चाहती हूँ आप लोगों को, सो दैट जो भी टूरिस्ट वगैरह जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको पता रहे कि हर सिटी जो है प्रॉपरली सेफ नहीं होती है। मतलब ये सिटी पूरी तरह से सेफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, जस्ट सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त। सो यहाँ पे क्या है ना, जो रशिया के आउटसाइड कंट्रीज़ के लोग हैं, जैसे जो रशिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सो उसके जो लोग हैं ना, वो लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वो लोग यहाँ पे रॉबरी वगैरह करते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं इस मेट्रो स्टेशन पे जिसका नाम है कुपचीना। इसका नाम ही काफ़ी है सेंट पीटर्सबर्ग में। अगर आपका कोई रशियन फ्रेंड है उनसे पूछ लेना, ये मेट्रो स्टेशन इतना फेमस है। एक्चुअली जब हम लोग न्यू आए थे तब हम लोग को नहीं मालूम था, लेकिन अब तो पता चल गया है। और हम लोग यहाँ पर सब लोग आ गए थे और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 3-4 लोग थे जिन्होंने हमें रॉब कर लिया था, हमारा बहुत कुछ ले गए थे, मेरा मोबाइल चला गया था, मेरे फ्रेंड्स थे उनके लैपटॉप्स चले गए थे, लैपटॉप्स और भी मतलब उनके मोबाइल्स भी साथ में। इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उस टाइम पे, हमें मालूम नहीं था इस जगह के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही अनसेफ है, अगर आप आओगे तो आपके साथ होगा ही होगा, इतनी ख़तरनाक भी जगह नहीं है, लेकिन ख़तरनाक है, इतनी भी नहीं है। मतलब आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अगर इन केस आप यहाँ पे आ रहे हो। वैसे यहाँ पे आई थिंक देखने वाला कुछ नहीं है, तो अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग आ रहे हो तो कुपचीना अवॉइड ही करो, सेंटर में घूमो, सेंटर 100% सेफ है। सेंटर में आप चाहे पूरी रात नाइट आउट मार सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मजाल है कि कोई आपको छू भी जाए अगर आप वहाँ पे पूरी रात घूम भी रहे हो बाहर तो। पर लेकिन जो सिटी के आउटसाइड जगह होती है ना, मतलब जो लास्ट वाले स्टेशंस होते हैं उनके ऊपर थोड़ा खतरा होता है। हमें मालूम नहीं था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा डर सा लग रहा है मैं ना अंदर जा रही हूँ गाइज, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा कभी कहीं नहीं फील हुआ, लेकिन हुआ है ना साथ में हमारे साथ, इसलिए मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। तो मैं अंदर जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा मोबाइल चला जाए, बहुत डांट पड़ेगी घर वालों से, वरना वो लोग बोलेंगे तो करने क्या गई थी वहाँ पे।
अंदर सेफ है क्योंकि मॉल है, मॉल के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता. सो जैसे हर एक जगह पे यू नो, हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में कोई ऐसी एक जगह होती है जहाँ पे जो थोड़ी बहुत अनसेफ होती है. सो सेंट पीटर्सबर्ग की जगह ये है, कुपचीना मेट्रो स्टेशन. आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन भी मिली होगी. और अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग आ रहे हो तो आप अलर्ट रहोगे. और अगर जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं सेंट पीटर्सबर्ग आ रहा हूँ या आ रही हूँ फॉर सम वर्क या फिर घूमने के लिए, या कुछ लोग स्टडी के लिए आते हैं. सो फॉर देम ये वीडियो आप लोगों के लिए है गाइज. प्लीज़ ध्यान रखना, अगर इनकेस आपको कुपचीना में कोई काम भी पड़ता है तो ध्यान रखना, ज़्यादा पैसे वगैरह मत लेके आना यहाँ पे. और अगर आप आ रहे हो तो बस अलर्ट रहना, यू नो, मेट्रो स्टेशन के अराउंड रहो. मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते ही ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मैं हूँ अभी राइट नाउ. सो यहाँ घूमो, कोई डर नहीं है. लेकिन अगर आप ज़्यादा यू नो अंदर तक जाओगे तो थोड़ा ध्यान से, बी केयरफुल, कहीं भी जा रहे हो बस बी केयरफुल. अपने आसपास ध्यान रखो कि कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखो. और अगर आपको लगता है कोई आपका पीछा कर रहा है, उसी वक्त किसी सेफ़ जगह में अंदर चले जाओ, किसी शॉप में चले जाओ. और अगर आपको ज़्यादा ही डर है तो पुलिस को कॉल कर सकते हो, दिल कम उसी वक्त. ओके, या दैट्स इट. और मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं, मैं बस सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे आई हूँ. उस दिन के बाद तो शक्ल तक नहीं देखी मैंने इस मेट्रो स्टेशन की, उसके बाद आज आई हूँ. और आके आज बस कर लिए दर्शन, अब मैं वापस चली जाऊँगी और वापस भी कभी नहीं आऊँगी. सो चलो गाइज, अब इस वीडियो के लिए इतना ही. बस इसमें सिर्फ इतना सही बताना था, फिर भी मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी है. और अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो क्या इंतज़ार कर रहे हो, लाइक का बटन दबा के जाना, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा जो एफर्ट है, यहाँ तक मैं इतना खतरा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक लाइक तो कर सकते हो ना मेरे लिए. सो थैंक यू सो मच जिन्होंने लाइक किया वीडियो को, थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो. अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो आई होप कि आपको मेरा चैनल जो है हेल्प देगा, हेल्पफुल वीडियो अपलोड करती हूँ मैं ऐसे. सो चलो गाइज, अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी, एंड लोगों को भी, दूसरों को भी हैप्पी रखो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो. बाय बाय.